पंजाब के खिलाफ मिली 5 विकेट की करारी हार के बाद इमोशनल हुए कप्तान संजू सैमसन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स अपने पिछले 4 मुकाबले लगातार हार चुकी है। पंजाब के खिलाफ भी राजस्थान का खराब प्रदर्शन जारी रहा और पहले बल्लेबाजी करते हुए वो 20 ओवरों में सिर्फ 144 रन ही बना सके, जिसे पंजाब ने आसानी से 18.5 ओवरों में चेस कर लिया। वहीं राजस्थान की एक और शर्मनाक हार के बाद कप्तान संजू सैमसन टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश दिखाई दिए। हालांकि राजस्थान प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन लगातार 4थी हार ने उसके प्लेऑफ की टॉप टीम बनने की उम्मीदों को झटका जरूर दे दिया है। और अब अगर राजस्थान अपना आखिरी मैच भी हार जाती है और हैदराबाद अपने दोनों मैच जीत जाती है तो राजस्थान का टॉप 2 में पहुंचने का सपना भी टूट जाएगा। दोस्तों, आपकी राय में कौन सी 2 टीमें टॉप 2 में जगह बना पाएगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।